शहर के श्रीमंत तुकोजीरा पंवार इंडस्ट्रियल स्पोर्ट्स पार्क में जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के मार्गदर्शन व निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान के निर्देशानुसार खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से 1 फरवरी से 5 दिवसीय स्पोर्ट टैलेंट सर्च खिलाड़ियों के बीच आयोजित किया जा रहा है। आयोजित टैलेंट सर्च में बालक बालिकाओं द्वारा बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया जा रहा है। यहाँ पर बास्केटबॉल टेनिस का टैलेंट सर्च किया जा रहा है। इसमें लगभग आज 44 से 50 तक के बच्चे अभी आए हैं, 44-45 बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनका यहाँ पर टैलेंट सर्च किया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम एवं खेल एंड युवा कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में ये किया जा रहा है। नगर पालिका निगम देवास द्वारा जो ये स्पोर्ट्स पार्क का निर्माण किया गया है, उससे बच्चों को सौगात मिलने जा रही है और बच्चे यहाँ बढ़ चढ़ कर इस पर भाग ले रहे हैं। ऐसा देखने में जा रहा है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी जो चाहते हैं कि हमारा टैलेंट भी उभरे, तो वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी परीक्षा का चल रहा है, बाकी बहुत सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इसको और डेट बढ़ाने की बोल भी रहे हैं, लेकिन अभी जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन बच्चों में काफ़ी उत्साह है और बहुत उत्साह से बच्चे यहाँ पर अपना टैलेंट सर्च करवा रहे हैं। इस टैलेंट सर्च में जो भी बच्चे सिलेक्ट करे जाएंगे उन्हें किस लेवल तक पहुंचाया जाएगा? उन बच्चों को तो, क्योंकि वो बिल्कुल नए पौधे हैं, नए ही बच्चे हैं, तो उनको खूब उभारा जाएगा, उनकी प्रतिभा को उभारा जाएगा, उनकी मेहनत, जैसे जैसे बच्चे मेहनत करेंगे उस मेहनत के हिसाब से ही उनको MP पे और इंडिया लेवल पे हमारी कोशिश है कि उनको लेके जाएंगे। जी सर, आपका नाम? जगदीश वर्मा, सहायक एंट्री, नगर निगम।